नमस्कार दोस्तों, उषा विलेज फूड चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आई हूँ आज खेत में अरुई के पत्ते लेने। अरुई तो ज़्यादा नहीं है, फिर भी हमारे लिए बहुत निकल जाएगा। इसमें से बहुत ही हरा भरा लेंगे। पहले देखते हैं धान का खेती, देखो तैयार होने वाला है, 15-20 दिन में तैयार हो जाएगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है, हरा भरा एकदम है। सुबह का समय है, इसमें ओस लगे हुए हैं। बंडे के अरुई के जो पत्ते हैं, इसमें देखो ओस पड़े हुए हैं। गांव में इसे और लोग बंडे कहते हैं। यह मिर्चा का पौधा है, अभी इसे 3-3 पेड़ साथ में लगाते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। अरुई के पत्ते के बनाएंगे हम बड़ा, बहुत ही अच्छा बड़ा इसका होता है, एकदम कुरकुरा होता है। पत्ते हमने अपने ज़रूरत के हिसाब से ले चुके हैं, अब चलते हैं घर की ओर। देखिए इधर हरदी का पौधा है, हरदी का पौधा इतना जल्दी नहीं पड़ता, इसमें टाइम लगता है। इसमें देखो मर्चा है, मर्चा बहुत ही ज़्यादा फरा हुआ है, इसमें से हम मर्चे को भी लेते हैं। बहुत ही मोटा मोटा अच्छा है। ये टमाटर का वेहन है, देखो अभी छोटा छोटा है, इसका पत्ती थोड़ा नहीं, बहुत ही मुलायम होता है, बहुत सावधानियाँ से उसको रखना पड़ता है, दवा का छिड़काव भी होता है उसमें। अपने ज़रूरत के हिसाब से उसमें हम गांव वाले बेहन डालते हैं। चलो चलते हैं धान के पास, छू कर देखते हैं ये भी कितना टाइम लगेगा इसमें। तो सो जो दबाने में अभी दूध निकल रहा है, अभी कच्चा है। देखिए बहुत ही अच्छा धान है, बहुत दूर तक दिखाई पड़ रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है हमको। दोस्तों हम घर पहुंच चुके हैं, चलते हैं इसको रखते हैं। पहले मैं उड़द को साफ कर लेती हूँ, पत्ते को हम रख दे रहे हैं चूल्हे के पास। इसको चेक कर रहे हैं कि फूला है कि नहीं, हमारा ये बहुत ही अच्छा फूल गया है। उड़द का दाल हमने 6-7 घंटे से भिगो कर रखा है, उड़द की दाल हमारी अच्छे से फूल गई है। इसका हम बनाएंगे बड़ा, कढ़ी, कचौड़ी, बहुत ही अच्छा बनेगा। चलते हैं अब इसको ऐसे ऐसे हल्के हाथ से मलते हैं, थोड़ा ऐसे ऐसे मलने पे छिलका आसानी से इस पर से उतरता है। चलते हैं टंकी के पास, इसका छिलका उतारेंगे।
इसमें थोड़ा सा साफ पानी लेते हैं और हाथ से थोड़ा गदोरियों के सहारे से इसको मलते हैं। ऐसे करने से छिलका निकल जाता है। इसको थोड़ा ऐसे ऐसे करके उड़द को हम धुल लिए हैं बहुत ही अच्छे से। अब चलते हैं सील के पास। सिलबट्टे पे हम थोड़ा थोड़ा रख कर इसको हम पीसते हैं। ज़्यादा हम इसको महीन एकदम नहीं करेंगे, जैसे हमारा बड़ा एकदम कुरकुरा और बहुत ही अच्छा हो, इसी तरीके से हम पीसते हैं। हमने जो ये बड़ा के लिए पीठी तैयार की है इसको हम बहुत टाइट बनाए हैं। इसको हम बनाएंगे कढ़ी। कढ़ी बनाने के लिए हम थोड़ा पानी डालकर पतला करके पीसेंगे। इसको हम महीन करेंगे, देखो एकदम महीन है ये। इसी प्रकार पतला पतला करके हम पीसेंगे। लहसुन का छिलका उतार के हमने इतना लहसुन ले लिया है और हरी मिर्च, गरम मसाला, तीनों को हम मिक्स करके पहले पीसते हैं, पीस कर तैयार करते हैं। इसमें धनिया पाउडर हम मिलाते हैं, थोड़ा हल्दी भी मिलाते हैं। हम कढ़ी के लिए हल्दी बाद में थोड़ा और बढ़ाएंगे। कढ़ी में हल्दी थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है, पहले इतना हम मिक्स करते हैं। अब इसी में हम उठाते हैं। चूल्हे को हम आग को पहले जलाते हैं। चावल को हम दो तीन पानी से अच्छे से धुल लिए हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे। ढक्कन को लगाते हैं। कुकर को हम रखते हैं चूल्हे पे। पहले बनाते हैं हम चावल, उसके बाद चलते हैं आटा गूंद लेते हैं। आटे को हमने चाला है, अब चलते हैं गूंद लेते हैं। गीला नहीं करेंगे, टाइट ही बनाएंगे। बनाएंगे इसका पूड़ी और कचौड़ी। पूड़ी और कचौड़ी के लिए आटे थोड़ा टाइट ही रखेंगे। चावल का हमारा एक सीटी लग चुका है, अब इसको हम उतारते हैं। इसी पे रखते हैं हम कढ़ाई। देसी घी हम इसमें डालेंगे। घी हमारा ठहर चुका है, अब इसमें हम डालेंगे सेवैया। अब इसको हम मैरूम होने तक भूनेंगे। सेवई हमारा ब्राउन हो चुका है, अब इसको निकालते हैं हम। इसमें हम डालेंगे दो पाव हमने दूध डाला है इसमें। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। पानी और दूध दोनों मिक्स करके बनाएंगे। काजू और बादाम को हम छोटे छोटे टुकड़े में काटेंगे।
अब इसको हम चलाते हैं। दूध में हमारा एक उबाल आ गया है, अब इसको हम बहुत पकने देंगे। पीसे हुए मसाले को इसको हम मिक्स करूंगी, इसमें थोड़ा सा नमक मिलाऊंगी। नमक को भी स्वाद अनुसार इसमें मिलाती हूँ। दूध हमारा उबल चुका है, इसमें हम डालेंगे अब चीनी। काजू और बादाम इसमें हम डालते हैं। अरवी के पत्ते को हमने धुल लिया है, अब इसको हम बड़ा के आकार से काटेंगे ऐसे। कढ़ाई को हम इस पे रखते हैं और उससे हम बनाने जा रहे हैं बड़ा। सरसों का तेल में हम बड़ा बनाएंगे। सरसों के तेल में बड़ा बहुत ही अच्छा होता है। अरुई के पत्ते पे हम दोनों साइड पीठी को लगाएंगे। थोड़ा सा हाथ में पानी लगाएंगे। थोड़ा हाथ में पानी लगाकर इसमें लगाएंगे। अरवी के पत्ते पे इसी प्रकार हम दोनों साइड पीठी को लगाएंगे। बहुत ही अच्छा और कुरकुरा बनता है। अभी हमारा तेल गर्म हो रहा है, हम स्टर बना कर रखते हैं। सेवैया को हम डालते हैं। बहुत ही अच्छी हमारी सेवई बनेगी। सेवई मार बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत ही अच्छा बना है। इसको हम उतारते हैं। सेवई को हम दूसरे बर्तन में रखते हैं। कढ़ी बनाने के लिए हम थोड़ा सा हल्दी और बढ़ाते हैं। अब इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। इसमें मेथी का हम तड़का लगाएंगे। मेथी हमारा ब्राउन हो चुका है, इसमें हम डालेंगे पालक। थोड़ा सा और हम पानी मिलाते हैं। थोड़ा पक रहा है और उद्दी को हम थोड़ा पतला करते हैं पानी डालकर। कढ़ी बनाने में पहले से ही पतला कर ले तो उसमें घोलना नहीं पड़ेगा कढ़ाई। तेल हमारा देखो ऊपर आ रहा है, इसमें हम डालेंगे घोल उड़दी का। थोड़ा सा हम इसमें हींग लाएंगे। पानी हम हिसाब से मिलाएंगे ताकि हमारा ज़्यादा पतला भी ना हो। तेल हमारा लाल हो चुका है, इसमें हम डालेंगे बड़े। बड़ा हमारा एकदम ब्राउन हो चुका है,
अब इसको हम निकालते हैं। अब दूसरा वाला हम इसी प्रकार डालते हैं। इसी प्रकार हम सारे बड़े को बनाएंगे ब्राउन होते। कढ़ी को भी हम चलाते हैं, चलाते रहेंगे बीच बीच में। कढ़ी को हमेशा चलाते रहना चाहिए, ऐसे बीच में बैठे ना। कढ़ी भी हमारी बहुत ही अच्छा बन रहा है। थोड़ा इसको और 10 मिनट तक उबालेंगे, 5 मिनट। इसमें हम अरुई के पत्ते नहीं लगाएंगे, इसको सादा ही ऐसे ही बनाएंगे पीठी का। देखें बहुत ही अच्छा फूला हुआ है। अभी इसको हम थोड़ा और ब्राउन होने देंगे। लो बेटा खा लो। देखिए बहुत ही अच्छा फूला हुआ है। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं बिना अरुई के पत्ते के। इसमें स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे और इसमें हम टुकड़ा टुकड़ा करके बड़े को डालेंगे। सालन हमारा बनकर तैयार हो चुका है, इसको हम ढकते हैं। अब इस पे हम पूड़ी बनाएंगे। ऐसे ही हम सारी पूड़ियों को तैयार करते हैं। हमने अरुई के पत्ते के बड़ा बनाया है, बहुत ही कुरकुरा है, बहुत ही अच्छा बना है। ये हमने सादा बड़ा बनाया है जो बहुत ही अच्छा फूला हुआ है, दब रहा है। साथ में हमने पूड़ी बनाया है। ये हमने बनाया है कढ़ी, उड़द की कढ़ी बहुत ही अच्छी होती है। कलर थोड़ा इसका लोहे कढ़ाई में बनाते हैं तो ऐसा ही रहता है। और साथ में मैंने बनाया है चावल। और हमने ये बनाया चावल हमारा ही बहुत ही भरभरा और बहुत ही अच्छा है। सेवई हमने बनाया है, बहुत ही अच्छी हमारी सेवई है। दोस्तों हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जो हमारे वीडियो में नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा वीडियो आप लोग के पास आसानी से पहुंच सके। थैंक यू। एक थाली में हम खाना को परोसते हैं।